वो भी टूट गया क्या? नहीं नहीं, वो अंदर गया, टूटा नहीं, तीन ही बार कांटी टूटा है। इतना पेच नहीं फंसता, जो पेच फंस रहा है ना लिए भी तो 15 को पेच लिए हो तो फंसेगा ही। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गया 13 तारीख, कल दही चूड़ा है और आवाज थोड़ा भारी भारी लग रहा है, लेकिन कल के दही चूड़ा खाने के बाद ये तबीयत जरूर ठीक होगा। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरा एक दोस्त है जो आज यूट्यूब चैनल चालू करने के लिए कुछ कुछ सामान खरीदने के लिए आ रहा है। उसके साथ में जाते हैं, उसका सामान वामान खरीद देते हैं, कुछ बोर्ड वोर्ड खरीदेगा, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे उसके रूम पे और सेट वेट करके फिर अपने रूम पे आ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। मेरा भी पीछे देख रहे हैं आप, ट्राइपॉड लिए हुए थे हम, और इस वीडियो के यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल बटन होगा एगो सब्सक्राइब वाला, उसी के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए। खेतान मार्केट के आगे जब भी आने पर यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा जाम जरूर लगा रहा था, कारण लेट हो जाता है। अगर कोई भी जरूरी काम से अगर आ रहे हैं तो आप 10 मिनट पहले निकलिए, क्योंकि खेतान मार्केट के पास हमको 15 मिनट लगेगा ही। अभी देखिए यहाँ पे खाली भी, लेकिन आदमी नहीं निकल सकता क्योंकि आगे से आदमी आ रहा है। तो इस गली में जाना है, इस गली में 500 का चेंज हो जाएगा ना अंकल? ताकि हम बोलना आपको भूल गए थे, कैसे होगा भैया 500 का चेंज है? ये देखते हैं, खुल्ला खुल्ली जोर जार के 10 रुपया तो पूरा ही देगा। दो दो चार, दो छः, दो आठ, 1 रुपया नहीं हो पा रहा है अंकल, सॉरी 2 रुपया चलेगा। अभी गांधी मैदान के पास उतर गए, देखते हैं उसको फोन करके कहाँ पे है। बोर्ड के बारे में बोले ही नहीं है, कहे कि बोर्ड के बारे में अगर बोलेंगे तो वो गुस्सा करेगा कि आखिर पहले बोलता नहीं आते ये, वो फेरा लगाता वो, और आएगा तब बोर्ड के बारे में बोलेंगे कि भाई दुकान बंद था, जो बात है कि तुम्हारा बोर्ड का दुकान बंद था हम इसलिए तुमको पहले बोले नहीं है, फिर आता नहीं, तुम बोल दिया था कि लेकर के आएगा तो आएंगे। अभी चलो और जो सामान बचा हुआ वो ले करके रूम चलते हैं। देखिए कितना कचरा लग रहा है, एकदम पूरा गली में कचरा भरा हुआ है, दिक्कत हो रहा है चलने में। व्हाइट जूता पहन के आया सही है थोड़ा देर में ब्लैक हो जाएगा। का हाइट उससे बड़ा है ना? अरे वाह, कैसा फीलिंग आ रहा है ब्रो? बोर्ड नहीं लीजिए, बोर्ड ले लेंगे, उधर उधर मिल जाएगा। लेकिन श्वेताब गौरव वर्मा YouTube की दुनिया में कदम रखते हुए, लेकिन ऐसे जगह पे कदम रखना पड़ेगा यार, शुरू में तो चुनौतियां मिलती है। कैसा लग रहा है? सही है तुमको? अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 430 रुपए का 2 ट्यूबलाइट लाए हैं लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए बस अंकित हमसे 350 का ये सब खरीदवाया। ये लंच पंजर कर रहा है। अब मेन बात है, अब सेटअप करने के लिए उतना तो करना पड़ेगा ना। नहीं पता है उसका क्या क्या काम हो सकता है, अंकित ही जानता है, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन यही है। जितना बचेगा सारा का पैसा रिटर्न तुमसे लेंगे। अरे ऊपर का ले जा रहा है भाई, अब छोटे हो रहा है। चल अंधेरा वाला रूम में चलो, लाइट जला। सही है, हम लोग को यहाँ पे अभी बस सिर्फ बांधने में ही दिक्कत हो रहा है कि लाइट को लटकाना है तो कैसे लटका यही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय लगा करके आप लोग को जरूर बांध के दिखाएंगे। इसमें छेद करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें छेद नहीं करें, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं सो भी खराब ना हो और बंधा भी जाए अच्छा से और लटक भी जाए अच्छा से। लाल धागा से सोच रहे हैं बांध करके इसमें तार ऊपर लटका दे, वो भी नहीं करने दे रहा है सही है बाबू, उसके लिए भी सो खराब हो जाएगा। लाल चीज तो तुम आखिर लगा ही रहा है इसमें। सुनो ना बाबू, इसको अगर हम इसमें फिक्स करते हैं फिक्स होगा। एक ही चीज कर सकता है सही, एक उपाय है पता है क्या? सुन ओ भाई, हो जाएगा
ये तो ग दिया हुआ है ना, इसको घुसा दे इसमें वाशर ऐसे लगा के, तार इसमें फंसा के। तुमको एक बात पता है, ये इतना मजबूत नहीं रहता है कि तुम इसमें एक छेद करेगा ये फट जाएगा। इसको ऐसे कसेंगे इसमें तो ये तो निकलने का चांसेस नहीं बनता है, नहीं समझ रहा है। इसको अंदर डालना पड़ेगा। हाँ, तो इसको अंदर डालने के लिए एकदम पतला छेद करेंगे, एक बार अगर अंदर डाल दिए तो फिर ये ऊपर निकलेगा नहीं जल्दी, से इसको कस देंगे बीच में तार लगा के। तो पतला छेद इसको भूख के नहीं करना होगा, इसको जला के करना होगा। हाँ, इसको गर्म करो ऐसे करके, भूख मारेंगे बात खत्म। एक बार ऐसे करेंगे ना फंस जाएगा अपने गैस के पास। भाई उपाय हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं अभी करके। हम लोग गैस के पास आ गए, इसको गर्म करेंगे और उसके बाद उसको छेद कर देंगे। को खराब होने का डर लग रहा है कि कहीं मशीनरी पार्ट अंदर जल गया तो हो जाएगा काम, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बाबू, ऐसे ही यूट्यूब वाला तुमको पैसा नहीं दे देगा। उसके लिए मेहनत देखेगा, ये मेहनत नहीं देखेगा। अरे भाई मेहनत नहीं देखेगा, मेरा व्लॉग देखेगा तो मेहनत देखेगा ही। रुको ना थोड़ा सा डर का है, दिमाग मत लगाओ। एक मिनट रुको ना, इसको देखने दो पहले हाइट। रुको अभी से कुछ मत बोल। ठीक, अरे हाइट ठीक है बाबू, बात तो सुनो मेरा, सब निकलेगा लाओ। पूरा किचन से ले करके यहाँ तक पूरा एकदम जमेला लगा हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारा की चीज तो हमारे ही वजह से होवे करता है, तुम्हारे वजह से कहाँ कुछ होता है। अभी मैटर थोड़ा फंस गया है, क्या है कि जहाँ पे हम लोग लाइट लगाना चाह रहे थे वहाँ पे बाद में अगर इन फ्यूचर में अगर पंखा लगाना पड़ेगा गर्मी के दिन में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो हम लोग जगह को चेंज कर रहे हैं, लेकिन आज ये काम कंप्लीट करके ही जाएंगे। खरमास में सच में कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा खरमास लग गया है क्या? खरमास लगा हुआ है, हम सोचे थे इसलिए सैटरडे को जाकर लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आज हो गया उसको कर ही लेते हैं ना, हमारे कहने का ये मतलब है। इतना पेच नहीं फंसता, जो पेच फंस रहा है ना लिए भी तो 15 को पेच लिए तो फंसेगा ही। तो अभी संयम के छत पे आए हुए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, हम लोग बहुत देर से काम कर रहे थे तो फंसा। मेरा सुनेगा तो लाइट का उपाय तो लग गया है, अब लाइट भी लग गया है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला जो है ये थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो इसको जाएंगे अभी चेंज कराएंगे। और जो भी लाइट ये सब लगाना था वो यहाँ पे लग गया हुआ है पूरा ऐसे तार करके यहाँ तक, और वहाँ पे बोर्ड रहेगा वहाँ पे पढ़ाएगा, और इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ट्राइपॉड में जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग चेंज कराने के लिए अब टेम्पो में बैठ गए हैं और फिर से दुकान जा रहे हैं, और शाम भी हो गया हुआ है तो जल्दी चले भैया। चेंज कराना था वो चेंज करा करके चला गया है, और अब हम अपने रूम जा रहे हैं, वो संयम भी अपने रूम चला गया, वो चेंज करा रहा था तो नहीं दिखा पाए इसलिए कहा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हम लोग। इससे हम निकल रहे हैं अपने रूम, ई रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं, अगर लग रहा है पीछे वाला टेम्पो हमको ही लेने के लिए आ रहा है।